जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आशीष ITI यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड आशीष। अगर आप वेंडर के से CITS इंट्रेंस एग्जाम और ITI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि CITS के इंट्रेंस एग्जाम में और ITI के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, हमारे चैनल के माध्यम से CITS इंट्रेंस एग्जाम और ITI एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। एक दिन में जो है कि 5 वीडियो जो है कि अपलोड किए जा रहे हैं CITS इंट्रेंस एग्जाम तैयारी का। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 कवर कर लिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। अगर आप CITS इंट्रेंस एग्जाम और ITI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेंडिंग स्थिति को पैरामीटर्स से परिभाषित की जाती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेग ढलान तथा वेग घुमाव की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए चित्र में सिलेंडर की क्या प्रणाली दर्शाई गई है। सिलेंडर की जो है कि क्या प्रणाली दर्शाई गई है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विविध प्रणाली जो है कि सिलेंडर की दर्शाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दर्शाए अनुसार ऊपर के नीचे सही क्रम में ICS की लिंगों को नाम दें, क्या नाम जो है कि दें। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तट सट आशीकरण कार्बुगर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से क्या ICS किलिंग बोलो पाइप में बैक फायर का कारण नहीं है। इनमें से क्या ICS किलिंग बोलो पाइप में बैक फायर का कारण नहीं है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस दबाव सेटिंग उच्च है, गैस दबाव सेटिंग उच्च है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का जोर दर्शाया गया है। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का जोर दर्शाया गया है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार जोर जो है कि दर्शाया गया है, धार जोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से सोख लेते हैं। किस प्रकार के जो है कि इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से सोख लेते हैं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड जो है कि नमी को आसानी से सोख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वेंडिंग में विरूपण को नियंत्रित करने के ये तरीके हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाई और वेंडिंग करना जो है तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एक धातु रोशनी प्रतिबिंबित करती है और चमकदार दिखाई देती है, यह कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें चमक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार धातु का कुछ भाग जो पिघला नहीं है परंतु उसका सूक्ष्म भाग वेंडिंग के ताप के कारण परिवर्तित हो गया है, उसे क्या कहते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आधार धातु को पहले गर्म किए बिना यदि कास्ट आयरन को वेंड किया जाता है तब किस टूटी की
संभावना है। आधार धातु को पहले गर्म किए बिना यदि कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है तब किस त्रुटि की संभावना है, किस त्रुटि की जो है कि संभावना है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरारे की जो है कि संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, सिर के ऊपर की स्थिति में वेल्डिंग करते हुए किसका प्रयोग करना श्रेष्ठतम है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलमेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, 12 mm मोटी प्लेटों की आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त जोर तैयारी क्या होती है, तैयारी क्या होती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल बी बट जोर जो है कि उपयुक्त जोर तैयारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गया चित्र सीधे करंट पर आर्क वेल्डिंग होने का दर्शाता है। आर्क में विचलन होता है, दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है कि क्या कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्क अधात, अधात के जो है कि कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MIG वेल्डिंग में वेल्डिंग टायर की नोजल के अंत से वेल्डिंग टायर परियोजनाओं की दूरी को क्या कहते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टिक आउट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दिए चित्र में दर्शाई गई प्रक्रिया के विषय में क्या सत्य नहीं है, क्या जो है कि सत्य नहीं है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोड पीतल के बने होते हैं, ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में फिंगर धातु तथा अथवा फंगस की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधी वेल्डिंग में जो कि फंगस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मिक वेल्डिंग में किसके मिश्रण से ताप उत्सर्जित होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड से मिश्रण से जो है कि ताप उत्सर्जित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, GTAD बलू में आर्क को बिना आधार धातु को छुए आरंभ करने के तरीके को क्या कहते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च आवृत्ति आरंभ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगमग आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, एंक टोस्ट नैंग वेल्डिंग के विषय में क्या सत्य है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त फ्लक्स में उच्च विद्युत प्रतिरोधकता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन में जो है कि 5 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं CITS इंट्रेंस एग्जाम तैयारी का, और वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से तैयारी अपना कर लें। और हमारे चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेंडर, फैशन डिजाइनर, ड्रेस मेकिंग, कोपा, सारे टेंडो का जो है तैयारी कराई जा रही है ITI एग्जाम का और CTI इंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।